अब्बास, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अब्बास, ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, क्या लगता है कोई समझौते की उम्मीद है? क्या बातचीत चल रही है सरकार की किसी तरीके से? देखिए शादा, अभी जो मामला है पूरी तरह से गर्मा चुका है। राष्ट्रीय राजनीति जो है महाराष्ट्र की काफ़ी गर्मा चुकी है। ऐसे में जो किसानों का जो उग्र आंदोलन है पूरी तरह हिंसक रूप ले चुका है। अब्बास, जो ये हमला हुआ है इसे किस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात सामने आ रही है? बेशक नदीम, जैसा कि ये मामला हुआ है, हाल फिलहाल की भी सुबह 7 शाम को 7 बजे का जो घटना है, जो ज़बरदस्त हमला किया गया है जेल अधीक्षक जेल के जो अधिकारी हैं भास्कर सत्रे, ऐसे में फिलहाल तो अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से जांच अधिकारियों ने इनकार किया, लेकिन जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े जो सूत्र हैं उनका यही कहना है, खुलकर जो खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं से इसमें CR कंपनी का हाथ हो सकता है, क्योंकि नवी मुंबई जो गढ़ है और मुंबई का जो चेंबूर इलाका है, छोटा राजन का गढ़ माना जाता है, पिछले कई सालों से दशकों से यहाँ पे छोटा राजन का राज रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तलोजा जेल में अबू सलीम जैसे और गौली जैसे डॉन वहां पर बंद है, जो कि गौली को भी सजा भी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के जो घटनाक्रम है, जो वारदात हुई है, इससे अगर अंडरवर्ल्ड में CR कंपनी से जोड़ा जाए, छोटा राजन कंपनी से जोड़ा जाए, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।